हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास ट्वेल्थ का अकाउंट्स कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 60A, 60B एंड 16C। ABC तीनों देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक बता देता हूं कि किस तरीके से बनाना है, और उसके बाद हम लोग आप सॉल्यूशन दिखाएंगे आपको और आप बताते चलेंगे, आपको लिख लेना है, ठीक है। चलिए, ये बेसिक याद रखिए, संपत्ति में वृद्धि होगी, कैश में कमी होगी। संपत्ति में कमी होगी, कैश में वृद्धि होगी। और दायित्व में वृद्धि होगी, कैश में वृद्धि होगी। दायित्व में कमी होगी, कैश में भी कमी होगी। इसका मतलब क्या है सर? कि एसेट बढ़ेगा तो कैश घटेगा, एसेट घटेगा तो कैश बढ़ेगा, लेकिन लायबिलिटी में लायबिलिटी बढ़ेगा तो कैश बढ़ेगा, और लायबिलिटी घटेगा तो कैश घटेगा। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं, देखते हैं सबसे पहले 16A। चलिए, आप लोग अपने अपने बुक से क्वेश्चन मिला लीजिए। ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 16A अपने अपने बुक से मिला लीजिए। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ये दोस्तों इसका 16A का सॉल्यूशन। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग पार्टिकुलर अमाउंट का फॉर्मेट बना लेंगे, और इसके बाद देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज लिखेंगे 57,500, ऐड कर देंगे डिक्रीज इन डेप्टर 5,000, 62,500, फिर लेस कर देंगे इंक्रीज इन स्टॉक 2,000, घटा देंगे 60,500, फिर लेस कर देंगे डिक्रीज इन BP 60,500 में से घटा देंगे 4,500, 56,000 आ जाएगा, फिर ऐड कर देंगे इंक्रीज इन क्रेडिटर 32,000 आ जाएगा, जोड़ने के बाद आता है 59,200। ये हमारा आंसर निकल गया, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16B। 16B आप लोग मिला लीजिए अपने अपने बुक से क्वेश्चन। चलिए इसका देखते हैं सॉल्यूशन। ये दोस्तों 60B का सॉल्यूशन। पार्टिकुलर अमाउंट आप लोग मिला लीजिए, फॉर्मेट बना लीजिए, नेट प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर 1,00,000 रुपया, ऐड कर देंगे ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व 10,000, ऐड करने पाता है 1,10,000, फिर ऐड कर देंगे डिस्काउंट ऑन डेप्टर रिटर्न ऑफ 5,000, जोड़ने पाता है 1,15,000, फिर ऐड कर देंगे डिक्रीज इन डेप्टर 25,000, हमारा आता है 1,40,000, फिर लेस कर देंगे डिक्रीज इन ट्रेड पेबल 20,000, फिर लेस कर देंगे इंक्रीज इन स्टॉक 18,000, आता है 1,02,000, फिर ऐड कर देंगे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 12,000, आता है 1,14,000, फिर लेस कर देंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 4,000, आता है हमारा 1,10,000। खत्म, नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 1,10,000। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 16C। क्वेश्चन नंबर 16C आप अपने अपने बुक से आंसर क्वेश्चन मिला लीजिए। चलते हैं, बढ़ते हैं इसका सॉल्यूशन की तरफ। ये है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16C। यहाँ पर पार्टिकुलर और अमाउंट दिया हुआ है, मिला लीजिए, फॉर्मेट बना लीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं इसका सॉल्यूशन। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,00,000, ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन, ऐड कर देंगे ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, ऐड कर देंगे गुडविल रिटर्न ऑफ, तीनों को ऐड करने पाता है 57,000। अब लेस कर देंगे गेन ऑन सेल ऑफ मशीन, लेस करने पर आता है हमारा 3,000, लेस कर देंगे तो आएगा 1,54,000, फिर लेस कर देंगे इंक्रीज इन डेप्टर 6,000, आता हमारा 1,48,000। उसके बाद हमारा ऐड कर देंगे इंक्रीज इन क्रेडिटर, इंक्रीज इन क्रेडिटर ऐड करेंगे 10,000, आता है 1,58,000, लेस कर देंगे इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस 200, आएगा हमारा 1,57,800, फिर ऐड कर देंगे डिक्रीज इन बिल रिसीवर 3,000, आता हमारा 1,60,800, फिर लेस कर देंगे डिक्रीज इन बिल पेबल 4,000, आता हमारा 1,56,800, फिर लेस कर देंगे डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 2,000, आता हमारा 1,54,800। खत्म, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ 1,54,800 हमारा निकल चुका है। अपने अपने आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं। ये है आगे का देख लीजिए, और ये पूरा पीछे का। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 16A, B, C तीनों देख लिया और अच्छे से समझ लिया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन जरूर हो जाएगा, जहाँ पर आपको थ्योरी का जितना भी क्वेश्चन है सारा का सारा ये अकाउंट से बुक यहाँ पर मैं करा रखा हूँ, थ्योरी कराया जा रहा है, लाइव होता है थ्योरी। साथ साथ आप टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाइएगा, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में जुड़ा हुआ है। थैंक यू।